नमस्ते दोस्तों, ये इंटर मार्केट एनालिसिस का तीसरा वीडियो है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि आप कितने रुपए देकर कोई करेंसी खरीद सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जब एक भारतीय को अमेरिका में कोई सामान खरीदना हो तो रुपया देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर उस डॉलर से वो भारतीय सामान खरीद पाएगा। इसी तरह एक अमेरिकन को भारत से कुछ खरीदना है तो उसे डॉलर देकर रुपया खरीदना पड़ेगा, फिर वो सामान खरीद पाएगा और उसे सामान सस्ता मिलेगा क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता है। मतलब अगर रुपया कमजोर होता है तो अमेरिका के लिए भारत में सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा क्योंकि वो कम डॉलर देकर ज्यादा रुपया खरीद पाएगा। लेकिन उसका एक फायदा होगा कि अमेरिकन भारत में ज्यादा खरीदारी करेंगे, इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन रुपया कमजोर हुआ तो भारतीय कंपनी के लिए बाहर से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रुपया कमजोर हुआ तो एक्सपोर्ट महंगा और भारत के बाहर से आने वाले रॉ मटेरियल महंगे मिलना चालू हो जाएंगे। अब ये समझते हैं कि रुपये के मुकाबले डॉलर का प्राइस क्या होना चाहिए। ये सब डिमांड और सप्लाई पर निर्भर है। अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो डॉलर महंगा मिलेगा, कंडीशन उससे उलट हो तो रुपया महंगा हो जाएगा और डॉलर सस्ता हो जाएगा। उदाहरण से समझते, भारत में 80% क्रूड ऑयल बाहर से आता है। अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो डॉलर की डिमांड भारत के लिए ज़्यादा हो गई और पूरी दुनिया को भारत के रुपये की जरूरत जितनी है उतनी रह गई। इससे डॉलर मजबूत हो जाएगा और रुपया सस्ता हो जाएगा। अगर इंडियन मार्केट में फॉरेनर इन्वेस्टर खरीदी करने लगे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, उसके लिए हमें इंडियन चार्ट को डॉलर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। उदाहरण से समझते, आपको सामने निफ्टी 500 का चार्ट दिख रहा होगा। ऊपर का चार्ट यूएसडी के अंदर है, नीचे का चार्ट INR के अंदर है। अगर हम 3 दिसंबर 2008 से दोनों चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी INR ने 1 अप्रैल 2014 को 2008 के करेक्शन के बाद ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद 265% का रिटर्न दिया है। उसी तरह निफ्टी USD के चार्ट ने 1 दिसंबर 2020 को ब्रेकआउट दिया और अभी तक 58% का ही रिटर्न दिया है। इसका मतलब USD निफ्टी 500 के चार्ट के हिसाब से FIs को USD निफ्टी 500 के चार्ट के ऊपर 1 दिसंबर 2020 से पहले कोई भी रिटर्न नहीं मिला। इसलिए हम आपको पीछे के कुछ वीडियो में बोल चुके हैं कि इंडिया अभी बॉटम पर है क्योंकि FIs को 2020 के बाद अभी रिटर्न मिलना चालू हुआ है। मतलब इंडियन लोगों के लिए ये बुल मार्केट 2020 से पहले ही था और अभी भी है, लेकिन FIs के लिए बुल मार्केट 2020 के बाद शुरू हुआ है। ये आपको ठीक तरीके से समझना है। इसका मतलब FIs ने इंडियन मार्केट के ऊपर 2008 से 2020 तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो FIs ने इंडियन मार्केट के अंदर कब इंटरेस्ट दिखाया वो भी समझते। आपको सामने एक चार्ट दिख रहा होगा और उस चार्ट के ऊपर जनवरी 2002 से लेकर दिसंबर 2002 तक का डाटा है और वो इक्विटी बाइंग का डाटा है दोस्तों, और वो बाइंग FIs ने करोड़ों के अंदर की थी। तो वो बाइंग है दोस्तों 3629, टोटल ईयर का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर हम 2003 का डाटा देखते हैं तो 2003 में जनवरी 2003 से दिसंबर 2003 तक FIs ने 30,459 करोड़ का बाइंग किया। मतलब 2002 से 10 गुना बाइंग की दोस्तों। ऐसा क्या हुआ था FIs इतने एग्रेसिव हो गए, उसका कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं, उसके बाद रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी जाएंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे और आपकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे किस तरीके से FIs ने उस टाइम क्यों बाइंग की थी। यूनिक वीडियो होने वाला है दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो फिर आगे। अगर हम 2003 से 2008 तक का FIs का इक्विटी का बाइंग देखते हैं तो 211,522.40 करोड़ का FIs ने 2003 से 2008 तक बाइंग किया। इस तरह से इंडियन मार्केट में लगातार बाइंग अभी तक नहीं हुई है। अगर हम निफ्टी 500 का रियल टाइम चार्ट मार्च 2003 से देखते हैं तो मार्च 2003 से निफ्टी 500 ने दिसंबर 2007 तक 700% का रिटर्न दिया। उसी समय
अमेरिकी का इंडेक्स S&P 500 ने मार्च 2003 से दिसंबर 2007 तक मात्र 90% का रिटर्न दिया। ऐसा क्या हुआ था कि FIIs ने इंडियन मार्केट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था? तो दोस्तों उसका आंसर आपको आगे मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा अमेरिका के स्टॉक मार्केट के अंदर 90% का रिटर्न मिला और यहाँ पर 700% का रिटर्न मिला दोस्तों। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज अमेरिका से 600 गुना ज्यादा थे। ऐसा क्या हुआ सोच के रखो, तो उसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अगर आपको एडवांस डिमांड सप्लाई सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको एडवांस डिमांड सप्लाई कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। बहुत ही प्रीमियम कोर्स है दोस्तों। उसी समय अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखते हो तो निफ्टी ने 600% का रिटर्न दिया था। जब निफ्टी 10% ऊपर जाता है या नीचे आता है तब स्टॉक के अंदर 30-40% का उछाल या करेक्शन आता है। तब निफ्टी 6 गुना हुआ था तो स्टॉक कितने गुना हुए होंगे आप सोच सकते हो दोस्तों। इस तरीके से इतना बुल मार्केट था और वो बुल मार्केट FIIs की वजह से हुआ था। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि FIIs ने इतना एग्रेसिवली इंडिया के अंदर बाइंग क्यों किया, क्योंकि उसका आंसर है दोस्तों डॉलर। आपको मैं प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। ये आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिख रहा होगा और नीचे निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। अगर हम 1 मार्च 2002 से डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स ने गिरना चालू किया और उसी समय निफ्टी ने अपना बॉटम बनाना चालू किया। बॉटम बनाने की एक प्रोसेस होती है दोस्तों, वो प्रोसेस कैसे होती है वेबिनार मेंबर को मालूम है, और वो प्रोसेस होने के लिए 1 साल लगा और 1 साल के बाद और उसी समय डॉलर 40% गिरा दोस्तों। एक करेंसी 40% गिरती है मतलब बहुत कुछ होता है दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था करेंसी के अंदर मूवमेंट कम होती है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी मूवमेंट आई कि करेंसी 40% गिरी। तो FIIs ने डॉलर का पैसा रुपया में के अंदर कन्वर्ट करके इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट किया और तब इंडिया के अंदर तेजी आई दोस्तों। तेजी क्यों आई? जब डॉलर गिरता है तो इंडियन मार्केट के अंदर तेजी आती है, ये भी हमने सीखा है दोस्तों। इस तरीके से 2003 से 2008 तक FIIs ने इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री की थी। क्यों? क्योंकि उसका आंसर है डॉलर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिखना है, लाइक भी करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।